हाईवे कम कोई चढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो गाइज अभी हम लोग गाड़ी टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं क्योंकि मेरे को देखने का है इसका जो वो सेल्फ ड्राइविंग फीचर है वो कैसे होता है, क्योंकि आज तक मैं पर्सनली खुद देखा नहीं। तो एक मिनट में भी ये पेन ली। तो अभी आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो इसके ऊपर? तो मैं अपना प्रोफाइल चेंज करता हूँ क्योंकि आपके प्रोफाइल में सेट हुआ है। अच्छा, तो मैं अपने प्रोफाइल में डालता हूँ तो ये सब आप मेरे आपके हिसाब से हो जाएगा सेटिंग के जैसे। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे एक नजदीक में सुपर चार्जर है टेस्ला का, तो अच्छा, मैं वहाँ पे मैंने ये डायरेक्शन लगा हुआ है। अच्छा, तो वो ली जाएगा 10 मिनट। ओके, या हम लोग एकदम परफेक्ट टाइम पे आ जाएंगे फिर। तो ये सुपर चार्जर में तो मैंने रिवर्स में डाला अभी। अच्छा, तो ये देखो आप कैमरा पीछे वाला और दो साइड का आ जाएगा। अगर आपको साइड का नहीं चाहिए तो ये दबा सकते हो, तो इट विल क्लोज दैट। ओके, और फिर ऊपर करोगे तो साइड का भी आ जाता है। तो ये बहुत कन्वीनियंट है जब आप पार्क करते हो क्योंकि आपको गाइडलाइंस अच्छे से दिखेगा। राइट, तो मिरर भी टिल्ट हो गया होगा। अच्छा, तो हाँ मिरर भी ऐसे नीचे की तरफ टिल्ट हो गया है, तो क्या इसे मालूम पड़ेगा अगर कुछ पड़ा भी है कि नहीं उधर। चलो या तो अभी आप खुद चला रहे हो, राइट? तो और फिर आप सेल्फ में कभी डालोगे, यानी सेल्फ ड्राइविंग? तो अभी ये अभी बेसिक मतलब पूरा 100% फुल सेल्फ ड्राइविंग हुआ नहीं है, तो ऐसे स्ट्रीट में जहाँ पे लेन नहीं है तो वो नहीं डाल सकते हो आप। ओके, तो आपको यानी प्रीटी मच ऐसे वो लेन के जो व्हाइट लाइंस होते हैं तो वो बेस पे ये गाड़ी समझती है कि वेयर द लेन एंड्स। और ये दिखाना चाहता तो ये डिटेक्ट भी करता है सब। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्पॉट है जो हैंडीकैप पार्किंग है, वो सब डिटेक्ट करता है। अरे वाह यार, जबरदस्त था। तो ऐसे एनिमेशन सब बहुत कुछ ऑप्शंस है इसमें, तो ये सब अपडेट करते रहते हैं वो। तो यहाँ पे जो जा रहे हैं वो लेन नहीं है, तो जैसे आप बोल रहे थे लेन नहीं है तो वो डिटेक्ट नहीं करता। तो आपको यहाँ पे एक्चुअली एक स्टीयरिंग व्हील सिंबल आता है। अच्छा, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप वो फीचर यूज कर सकते हो। तो अभी आया नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं यूज नहीं कर सकता। ओके, तो वो स्टीयरिंग आएगा तभी, यानी यू कैन पुट इट इन सेल्फ ड्राइविंग या ऑटो पायलट या जो भी। तो जब हम बाहर निकलेंगे तो आप देखोगे एक स्टीयरिंग व्हील सिंबल आएगा, फिर जाके हम। लेकिन यहाँ पे क्रूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सिंगल टैप करोगे नीचे तो ये क्रूज हो जाएगा। अच्छा, स्टीयरिंग आपको कंट्रोल करना रहेगा लेकिन क्रूज चलेगा। अगर आपको ये अगर किसी को आगे डिटेक्ट करता है तो अपने आप रुक जाएगा। अच्छा, तो वो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल तो है। ओके, तो यानी अगर कोई चल के आ रहा है बीच में से तो गाड़ी तो और रुक जाएगी गाड़ी। हाँ, तो एग्जाम्पल यहाँ पे टी इंटरसेक्शन है, इसको पता चल गया तो ये अपने आप रुकेगा टी इंटरसेक्शन में। अच्छा, तो मैंने ब्रेक नहीं मारा, एक्चुअली टी में नहीं रुका। ओके, स्टॉप में रुकता है, टी में मुझे लगा रुकेगा, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया था। नो प्रॉब्लम, तो नहीं रुका। तो मैं राइट लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ कैसी फील आ रही है गाड़ी चलने की। इलेक्ट्रिक कार का मैं आपको बता रहा हूँ ओवरऑल फील, तो आप इमेजिन करो आप एक नॉर्मल गाड़ी में बैठे हो, पेट्रोल की गाड़ी में, ठीक है, आप स्टेयरिंग पे जाओ और खाली आप एक्सेलरेटर पुश करो और उसमें कैसे आपको कुछ वाइब्रेशन नहीं आएगी, कुछ फील नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रिक कार का एक्सेलरेशन इज जस्ट लाइक इट। और अभी जैसे गाड़ी चल रही है तो अभी दिखाऊं थोड़ा स्लो करके, तो एक्सेलरेशन देखना। हाँ, स्पीड इसका 0 to 60 4.2 है शायद। अच्छा, तो मैं एकदम ओ वाओ, अरे जबरदस्त यार, बाप रे, तो एकदम मस्त है इसका स्पीड, बस एकदम खतरनाक है, मजा आ गया। तो ये स्पीड में बोल रहा था आपको, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपको एकदम पीछे डाल देता है, तो ऐसे लगता है कि रोलर कोस्टर में जा रहे हो, तो इसलिए देखो तो मजा आया, बस जबरदस्त यार। तो अभी मैंने ऑटो पायलट में डाल दिया। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये स्टीयरिंग व्हील बोल रहा था, वो सिंबल आया मुझे। तो अभी इधर साइक्लिस्ट जो रोड पे आ रहे हैं, तो मैंने I don't know if you want to take a chance, right? तो ऐसे डबल टैप, अरे दिखा एक्चुअली साइक्लिस्ट, सो वो सब दिखाता है आपको कि बगल में ये सब ट्रैक कर रहा है, वो कैमरा जो है ट्रैक कर रहा है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल तो अभी आपने पैर हटा दिया एक्सेलरेटर से, ये अपने आप रुके, देखो गाड़ी खुद रुकते जा रही है। और यहाँ पे रेड लाइन दिखाएगा क्योंकि सिग्नल रेड है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ देखोगे तो ये आपको रेड दिखाएगा, अरे रेड दिख रहा है। तो जैसे ग्रीन होगा ये लाइन ग्रीन हो जाएगा, तो उसका मतलब है ये इट्स गुड टू गो, एंड आगे जो कार है उसको फॉलो करेगा। अगर कार नहीं है तो आपको कंफर्म करना रहता है कि ग्रीन इज सेफ टू गो फॉरवर्ड। अच्छा, नहीं तो ये अगर कार है तो अपने आप चले जाएगा। बॉस, मैंने ना ये ऑटो पायलट के वीडियोस देखे थे, पर मैं कसम से बोलता हूँ गाड़ी में बैठ के
द एक्साइटमेंट लेवल इज ऑन अ डिफरेंट लेवल. मैं को सच्ची बताऊं, मैं को लगा अरे यार बहुत वीडियोस देखे हैं यू नो कि ठीक है यार देखने मिलेगा एक टाइम इट्स ओके, पर लेकिन जब ये रियलिटी में जो फीलिंग है ना क्लास है यार. आई मीन यू रियली अप्रिशिएट व्हाट दिस कार इज एबल टू डू. सो इसका एक और फीचर दिखाता हूं आपको, ऑटो लेन चेंज. सो मैंने इंडिकेटर लेफ्ट राइट का डाला तो ऑटोमेटिकली लेन चेंज होता है. वाओ, तो अपने आप लेन चेंज करेगा और आ जाएगा. तो यहां पे एनिमेशन में भी दिखाएगा आपको कैसे जा रहा है. अगर आगे पीछे कोई है तो एक रेड लाइन दिखाता है कि इट वोंट बी एबल टू चेंज लेन. अच्छा, तो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता बगल में देख के फिर लेन चेंज करता है. ओके, सो अभी सिटी के अंदर है तो इसलिए हाईवे पे नहीं है, तो इसलिए आप सिर्फ 5 ओवर द स्पीड लिमिट जा सकते हो. अच्छा, अगर बाहर हाईवे में रहोगे तो यू कैन गो एनी अमाउंट मोर. मस्त यार, तो ये भी अच्छा सेफ्टी फीचर बनाया है लोगों ने. तो अभी मैं अगर स्पीड लिमिट इंक्रीज करूंगा तो वो नहीं होगा, तो ऐसा दिखाएगा कि रिस्ट्रिक्टेड. अच्छा, so, यही बोला था मैं, आगे कार नहीं है तो आई हैड टू कंफर्म फॉर इट टू गो थ्रू द ग्रीन लाइट. अच्छा अच्छा, अगर कंफर्म नहीं किया होता तो वो स्लो करके रुक जाती थी. हाँ, तो ग्रीन लाइट हो भी तो भी रुक जाता है, तो आगे कार नहीं है तो ड्राइवर एंगेजमेंट जरूरी है ये नए फीचर के साथ. ऐसे नहीं है कि आप छोड़ के बैठ जाओ सो जाओ, वैसे तो यार सेफ नहीं है. तो इतने सारे वीडियोस देखे हाईवे पे, टेस्ला खुद चल रही है, लोग सो गए, मैं इतने सारे वीडियोस देखे, तो आई थिंक क्योंकि उधर ग्रीन लाइट नहीं है, मे बी यू कैन डू दैट बट टेस्ला रिकमेंड करती है ऑलवेज फोकस, क्योंकि वो फीचर 100% है नहीं है. राइट. तो इट्स ऑलवेज गुड टू यू नो कीप योर हैंड ऑन द स्टीयरिंग व्हील एंड बी फोकस्ड एज वेल. कार तो करेगा ही, लेकिन एट द एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. राइट, क्योंकि इन द एंड यू हैव टू रियलाइज कि ये टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन स्ट्रीट साइंस के ऊपर. तो अगर स्ट्रीट साइंस अगर कहा भी ऐसे बराबर हुई नहीं तो द कार विल और मे गेट कंफ्यूज और फिर यू नो एक्सीडेंट होने का फुल चांस है. तो ये टेक्नोलॉजी आई फील कि जब तक सब कंट्रीज में इसका बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तभी तक यू वोंट बी एबल टू यूज इट एट फुल कैपेसिटी, है कि नहीं? फॉर श्योर. तो अभी हम लोग आए हैं एक्चुअली नासा स्पेस सेंटर के, तो आप लोगों को यहाँ का एक छोटा व्यू दिखा देता हूँ. देखो भाई, इधर ऐसे यूजली वीकेंड में लोग आके सब फोटोज वगैरह निकालते हैं. तो अभी हम लोग कहाँ हाईवे पे जा रहे हैं, देखते हैं हाईवे मिलेगा कि नहीं. I-45 तो है वहाँ बगल, ऐसे है इधर. इफ यू आई कैन आई कैन श्योर टेल मी इफ यू वांट. एक्चुअली इधर नेविगेशन विल टेक यू राइट. नहीं, मैंने एक्चुअली वो सुपर चार्जर का डाला हुआ था. तो अगर आप लेफ्ट पे रखोगे ना, लेफ्ट में रहू? हाँ, वो जो ब्रिज जा रहा है ना ऊपर. हाँ. वो ब्रिज के ऊपर से आई मीन इट विल इवेंचुअली टेक यू टू द हाईवे. अच्छा ठीक. वो हाईवे पे चढ़ोगे तो आप देखोगे कि थोड़ा UI डिफरेंट हो जाएगा और वो नेविगेट ऑन ऑटो पायलट इनेबल हो जाएगा. अच्छा, तो यही पे रहू कि? हाँ, आई मीन दिस विल लाइक यहाँ से सीधा सीधा चलते आएंगे तो इवेंचुअली आई थिंक इट्स अबाउट 5 to 6-7 मिनट्स. अच्छा ठीक है. I-45 है ना? हाँ, I-45. हाँ, उससे पहले ही एक्चुअली हमारा डेस्टिनेशन आ रहा है तो चढ़ते हैं हाईवे में, बाद में जाते हैं. ठीक. तो ऐसे कोई सर तुरंत लेन चेंज करता है तो वो डिटेक्ट करता है, तो सॉलिड हाईलाइट करता है. अच्छा, इस कार को इट्स मॉनिटरिंग. ओके, बगल वाला कार को हाईलाइट नहीं किया. तो आज मेरी एक्चुअली ड्राइवर लाइसेंस रिन्यूअल करने की अपॉइंटमेंट है, तो मेरे को नहीं लगता आई एम गोइंग टू मेक इट ऑन टाइम, क्योंकि ये गाड़ी से तो उतरने का मेरे को ही दिल नहीं है यार. जबरदस्त. तो ये सब अपने आप चला रहा है, मैं सिर्फ हाथ रखा हुआ है मैंने. अच्छा, मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ. मैंने तो स्टीयरिंग के पास पैर भी नहीं रखा. तो अभी मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप स्टीयरिंग से हाथ हटा दोगे तो विल द कार नो? हाँ, तो 30 सेकंड के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे कि स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखो. अच्छा, और एक या दो मिनट के बाद इट विल स्टार्ट बीपिंग एंड मेकिंग नॉइस कि स्टीयरिंग आपने पकड़ा नहीं है, बहुत देर हो गया तो पकड़ो. और आई थिंक वो जाके रुक जाता है, ये मुझे 100% पता नहीं है. जितना मैंने सुना है कि ये देखिए यही बोला था मैं. अच्छा, तो फोर्स डालना रहता है तो ऐसे ब्लू हाईलाइट करता है, तो एक बार ऐसे स्टीयरिंग पकड़ोगे तो हो जाएगा. तो मैंने ज्यादा पकड़ लिया, उतना भी नहीं चाहिए. थोड़ा पकड़ोगे तो इट विल डिटेक्ट कि आप बैठे हो, आई मीन यू आर प्रेजेंट. तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट इंटरस्टेट 45 पे पहुंच रहे, तो वहां चल के थोड़े अलग अलग चीजें इस पे देखने मिलेगी. तो एग्जैक्टली क्या होएगा इंटरस्टेट पे? तो ये जो दो लाइन है, ये सिटी के अंदर दो लाइन
UI है, इसका मतलब अभी फुल नेविगेट ऑन ऑटो पायलट में नहीं है ये। अच्छा, तो एक बार हम हाईवे चढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नेविगेट ऑन ऑटो पायलट में चला जाएगा। अच्छा, ऑटो पायलट टेम्पररी अनअवेलेबल, वो स्टीयरिंग व्हील नहीं आता और आप दबाओगे तो वैसे मैसेज देता है। अच्छा अच्छा, तो स्टीयरिंग व्हील एक मिनट के लिए चला गया था। तो यार इतने सारे जन मैं देखता हूँ कि ऐसे स्टीयरिंग पे सो गए, तो वो एक्चुअली सेफ है ही नहीं। नहीं पर लेकिन अगर ये स्टीयरिंग का ये आता है, दैट मींस दे आर डूइंग समथिंग टू फूल द सिस्टम, राइट? या बहुत लोग एक ट्रिक तो मैंने सुना हुआ है कि यहाँ पे एक ऑरेंज लगा दोगे तो उसको लगेगा कि आप हाथ पकड़े हुए हो, तो वो मैंने सुना है, मैंने ट्राई नहीं किया। अच्छा, लेकिन वो एक है। ओके, तो ये अभी नेविगेट ऑन ऑटो पायलट में आ गया। अच्छा, तो सिंगल लाइन, तो ये ऑटोमेटिकली लेन चेंज वो सब करेगा अभी। अच्छा हाँ, तो अभी मेन फीचर अभी देखेगा इसका, तो डिटेक्ट करेगा, तो अभी एग्जिट लेन में इसको पता चलेगा कि बाहर जाना है इसको। अच्छा, एक्चुअली मेरा डेस्टिनेशन के वजह से ये कंफ्यूज हो जाएगा, ये एग्जिट ले लेगा। अच्छा, तो मैं तो ये एग्जिट स्किप करके, तो ये देख, तो खुद ही ब्रेक मारा गाड़ी ने, खुद ही ब्रेक मारा, मैंने नहीं किया। हाँ, क्योंकि वो ट्रेलर आया नजदीक तो गाड़ी ने खुद ही ब्रेक मारना चालू कर दिया। तो इट्स ट्राइंग टू मेक अ लेफ्ट टर्न। अच्छा, लेकिन इसको गाड़ी बगल में दिखाई दी तो स्लो डाउन। अच्छा, तो इसमें ये देखो, ये सब गाड़ियां भी दिख रही है आजू बाजू जो चल रही है, तो ये जो साइड के कैमराज है, आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, इट्स डिटेक्टिंग द कार्स अराउंड यू या ये सब लेन्स वगैरह। तो इसको मैंने जो डेस्टिनेशन डाला हुआ है तो उधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो इट्स वांट, इट वांट्स मी टू गो बैक। अच्छा, तो मैं वही चलते हैं फिर एग्जिट। ओके ओके, और जाऊं हाईवे के ऊपर? नहीं, इतना काफी है ना, क्योंकि वापस चलते चलते हाईवे से ही चलते हैं ना फिर हम लोग। तो ये सब गाड़ी देखो गाइस, खुद अभी ये एग्जिट लेने वाली है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन डाला है वो पीछे के पीछे रह गए, तो द नेविगेशन तो में आएगा सिग्नल कि इट वांट्स टू गो राइट। अच्छा, तो मैंने राइट जाने का इंडिकेशन दिया तो अपने आप गया एग्जिट लेन में। तो आपको इंडिकेशन देना पड़ा? तो मैंने वो सेटिंग इनेबल किया हुआ है कि मुझसे इंडिकेशन लो। अच्छा, अगर आपको वो आप डिसेबल करते हो तो अगर वो सेटिंग ऑफ है तो अपने आप चला जाएगा। ओके, तो एग्जिट ले रहा है ये अभी, और नेविगेट ऑन ऑटो पायलट ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ अभी हाईवे पे चलता है। राइट, तो हाईवे से बाहर आए तो अपने आप इट गॉट टर्न्ड ऑफ। जबरदस्त यार, तो इट पुट इट बैक टू ऑटो पायलट, बेसिक ऑटो पायलट। तो हम यहाँ पे फिर से हाईवे पे चढ़ते हैं। तो गाइज, ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली मेरे को रखने का था कि आप लोगों को मालूम पड़े टेस्ला का ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क होता है। तो थैंक्स टू श्री, हम लोग को फीचर देखने मिला और यू नो ये गाड़ी का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अपने को देखने मिला, तो थैंक्स श्री। श्योर। तो ये वाला व्लॉग मैं इधर एंड कर रहा हूँ गाइज, और पूरा वाला व्लॉग यू विल सी सून। तो ओके गाइज, ये था आज का व्लॉग, आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।